समय निष्ठा का पालन करना यानी समय के महत्व को समझना व्यक्ति के सबसे अच्छे गुणों में से एक है। यह एक ऐसी आदत है जो हमें सफल बनाने में सबसे सहायक होती है। जिसने समय पर हर काम को किया उसे समय की बर्बादी से कभी दुखी नहीं होगा। बिल्कुल, दरअसल बीता हुआ समय किसी भी कीमत पर लौट कर नहीं आता। समय किसी का दास भी नहीं होता, समय किसी पर निर्भर भी नहीं होता, वो अपनी गति से चलता रहता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझ पाता वो कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। समय का मोल पहचानने में ना तो खुद समय बर्बाद करें और ना अपने आसपास किसी को करने दें। जब समय के मूल्य को पहचान लिया जाता है तभी समय का सदुपयोग होता है। दरअसल हम बीते हुए समय के अच्छी बुरी यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की कल्पना में रमे रहते हैं, लेकिन वर्तमान को अनदेखा करते हैं। दरअसल वर्तमान ही वास्तविक समय है, उसके महत्व को समझना चाहिए। बिल्कुल, और समय के इस महत्व की सीख के साथ हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर में लखनऊ से गाजीपुर तक बने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होने जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में शिमला में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जारी है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को पारदर्शी और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। 8 नवंबर तक चलने वाले पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शिमला में ही 1921 में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन शुरू हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐलान किया है। आज से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये फैसला श्री गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय के प्रति सरकार की श्रद्धा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीबीआई ने इंटरनेट पर बाल यौन उत्पीड़न के इससे जुड़ी सामग्री के प्रसार में कथित तौर पर शामिल 14 राज्यों के 83 लोगों से संबंधित 76 ठिकानों पर छापेमारी की है। केंद्रीय एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण और उत्पीड़न में कथित रूप से शामिल 83 लोगों के खिलाफ 14 नवंबर को 23 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में छापेमारी करके तलाशी ली जा रही है। राजधानी दिल्ली की बिगड़ी आबोहवा और बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने एक इमरजेंसी बैठक की। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल 5 संयंत्र 30 नवंबर तक चालू रहेंगे। बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आयोग ने दिल्ली और NCR राज्यों को 21 नवंबर तक क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है। गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रविवार तक रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देशित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल शिक्षा के ऑनलाइन मोड की अनुमति होगी। और राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खबरें राज्यों से। काशी की उत्कृष्ट विरासत और संस्कृति पर 3 दिन का काशी उत्सव वाराणसी में शुरू हो गया है। इस उत्सव में काशी की समृद्ध संस्कृति, विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीरदास, संत रैदास, भारतेंदु हरिश्चंद, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसे विलक्षण लोगों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बिहार में हाल ही में 4 बड़े जहरीले शराब कांड के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर बड़ी समीक्षा बैठक की।
माना जा रहा है कि शराबबंदी पर नीतीश सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि नीतीश कुमार ने बैठक से एक दिन पहले ये साफ कर दिया था कि उनकी सरकार का शराबबंदी से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ाने के केंद्र की अधिसूचना को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में चर्चा हुई। राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने लंग पीह के बाद हुए मतभेदों को लेकर आज संयुक्त तौर पर पत्रकारों से बातचीत की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि दोनों सरकारें इस बारे में बहुत गंभीर हैं और हम एक सौहार्दपूर्ण और स्वीकार्य समाधान खोजना चाहते हैं। ओडिशा में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल खोल दिए गए हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज करने के साथ मौसम की सबसे सर्द रात रही। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग पर्यटक स्थल पर न्यूनतम तापमान 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान 0 से 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं केरल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर जारी है। मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवात के प्रभाव के कारण मौसम विभाग ने उत्तरी केरल के अलग अलग हिस्सों और राज्य के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान भी लगाया है। राज्य में 4,300 से अधिक लोगों को 151 राहत शिविरों में रखा गया है। अलपुझा, पथनमथिट्टा और कोल्लम जिलों में सभी स्कूल और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की गई है। कई वर्षों बाद कश्मीर में केसर उगाने वाले किसान खुश हैं। उनकी खुशी का कारण है इस साल घाटी में बंपर केसर की फसल। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती इस साल बड़े पैमाने पर हुई है, जिसने केसर का 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी कई जिलों में कश्मीरी केसर के फूल खिल रहे हैं। केसर दुनिया की सबसे महंगी फसल के तौर पर बिकता है। और देश और राज्यों की बड़ी खबरों के बाद अब एक नजर दुनिया भर से आ रही बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मानवाधिकार, व्यापार, ताइवान और हिंद प्रशांत जैसे मुद्दों पर परस्पर बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल बैठक हुई। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके चीनी समकक्ष के साथ ये पहली बैठक थी। जो बाइडेन ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच सरल और सीधी प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। दोनों देशों को कुछ उचित उपाय करने की आवश्यकता है। उन्होंने दोनों देशों के जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की बात पर भी जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के लॉन में 1,000 अरब डॉलर के एक बुनियादी विधेयक को मंजूरी दी है। बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि विधेयक से रोजगार, स्वच्छ पानी, तेज इंटरनेट और स्वच्छ ऊर्जा को एक तरह से भविष्य मिलेगा। बढ़ती मुद्रास्फीति और कोविड-19 के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक जोखिमों से पूरी तरह निपट नहीं पाने के चलते बाइडेन इस समय दबाव का सामना भी कर रहे हैं। द्विपक्षीय समझौते के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति को बुनियादी ढांचे पर 2,300 अरब डॉलर खर्च करने की अपनी प्रारंभिक महत्वाकांक्षा को आधे से अधिक कम भी करना पड़ गया। इस कटौती के बाद ही पैकेज को सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन मिला है। रूस के अंतरिक्ष में एक पुराने सैटेलाइट को मिसाइल दागकर मार गिराने से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। स्पेस स्टेशन पर दो रूसी यात्री भी अभी मौजूद हैं। रूसी कार्रवाई से भड़के अमेरिका ने कहा है कि पुतिन सरकार की इस खतरनाक हरकत से एस्ट्रोनॉट की जान भी जा सकती है। अमेरिका ने बताया कि रूसी उपग्रह के 1,500 टुकड़े अब अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, जो कभी भी हादसा कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस के मुताबिक इस परीक्षण से अंतरिक्ष में मलबा फैल गया है और 1500 बड़े टुकड़े खतरनाक तरीके से तैर रहे हैं। इसके अलावा हजारों छोटे टुकड़े भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं। इससे दुनिया भर के देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अफगानिस्तान में रहने वाले 2 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी झेल रहे हैं। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सूखे और खराब अर्थव्यवस्था की मार अफगानी परिवारों पर बुरी तरह से पड़ी है। WFP इन सभी लोगों तक भोजन पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है, जिसका असर साल 2022 से नजर आने की उम्मीद की जा रही है। फाइजर ने दूसरी कंपनियों को दी अपनी कोविड-19 दवा बनाने की अनुमति। फाइजर ने कहा है कि वह वायरस रोधी दवा के लिए जिनेवा स्थित मेडिसिन पेटेंट पूल को लाइसेंस देगी, जो जेनरिक औषधि निर्माता कंपनियों को दवा का उत्पादन करने देगा। इससे विश्व के 95 देशों में इस दवा का इस्तेमाल हो सकेगा, जहां दुनिया की लगभग 53% आबादी रहती है। म्यांमार के राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो गत वर्ष नवंबर के आम चुनाव में धोखाधड़ी के लिए देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू की और 15 अन्य वरिष्ठ सियासी हस्तियों पर मुकदमा चला रहा है। धोखाधड़ी के आरोप की घोषणा मंगलवार को म्यांमार के सरकारी ग्लोबल न्यू लाइट अखबार और अन्य आधिकारिक मीडिया में प्रकाशित हुई है। 1 फरवरी को देश की सेना ने सत्ता पर कब्जा करके आंग सान सू की सरकार को गिरा दिया था। इसका मुख्य कारण चुनावी धोखाधड़ी बताया गया था। उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी चुनाव में शानदार जीत के बाद अगले 5 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने वाली थी, जबकि सेना समर्थित यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को अप्रत्याशित रूप से भारी नुकसान हुआ था। और अब बात करते हैं एक ऐसी जानकारी की जो कि खबर तो है ही, लेकिन उसकी जानकारी को आप सरल और आसान शब्दों में यदि समझेंगे तो आप उसका एक नया स्वरूप भी समझ पाएंगे। आपने ऑडिट के बारे में सुना होगा। लेखा परीक्षा, अंकेक्षण या ऑडिट को यदि आसान शब्दों में समझे तो ऑडिटिंग का मतलब जो है किसी व्यक्ति, संस्था, तंत्र, प्रक्रिया, योजना या किसी उत्पाद का सही आकलन करना है। लेखा परीक्षा ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि दी गई सूचना वैध और विश्वसनीय है या नहीं। इससे उस तंत्र या किसी संस्थान के इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक नियंत्रण का भी मूल्यांकन हो जाता है। दिल्ली में पहले लेखा परीक्षण दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में आंकड़े ही सूचना है और आने वाले समय में हमारा इतिहास भी आंकड़ों के जरिए ही देखा और समझा जाएगा। कैग के पहले ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों से कैग जो भी दस्तावेज, आंकड़े और फाइल मांगे वे उन्हें उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। इससे सेल्फ असेसमेंट का काम आसान हो जाता है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी। हर एक की अपनी अपनी बात थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार का हस्तक्षेप कम करके कामों को पूरा किया जा रहा है। हमने बदलने का तय कर दिया और उसका परिणाम सरकार का दखल भी कम हो रहा है और आपका काम भी आसान हो रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स, फेसलेस असेसमेंट्स, सर्विस डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सारे रिफॉर्म्स ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया
ऑडिट दिवस का आयोजन एक संस्था के रूप में कैग की ऐतिहासिक उत्पत्ति के अवसर पर किया गया। कैग ने बीते दशकों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हर घर दस्तक कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा की और इसमें जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि देश भर के गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और अभियान से जुड़े अन्य भागीदारों के साथ उन्होंने बैठक की और कहा कि सरकार इन संगठनों की साझेदारी से टीकाकरण अभियान को मजबूत करेगी। भारत में कोविड 19 टीकाकरण 113 करोड़ के पार पहुंच गया है। इससे भारत की रिकवरी दर 98.27% हो गई है। इसको लेकर संसद टीवी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से बातचीत की। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर हमारे देश में रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। अब तक 112 करोड़ लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। इसके आगे के रफ्तार के विषय में और क्या और भी निर्माता कंपनियों को आप लोग वैक्सीनेशन बनाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं? आपने देखा होगा, वैक्सीन में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हुआ वैक्सीन आज देश के नागरिक को लग रहा है। देश की जनता ने, हमारे कोरोना के साथ जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स ने जो एफर्ट किया, उसका नतीजा ये निकला कि देश ने 9 महीने में 100 करोड़ वैक्सीन बना के एक बेमिसाल सिद्धि हासिल की है। और 100 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो जाना वो छोटी बात नहीं है। आज 113 करोड़ तक हम आगे पहुंच गए हैं। अगले दिनों में देश के वयस्क कोई भी व्यक्ति वैक्सीन से टीका लगाए हुए ना रहे, सभी को टीका लगे, इसलिए मोदी जी ने हर घर दस्तक कार्यक्रम चलाया है। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत हमारे हेल्थ कर्मियों घर घर जा रहे हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं, आज सुबह में मैंने देश की सभी एनजीओ से मीटिंग किया, वो भी जुड़े हुए हैं और सभी स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ पॉलिटिकल पार्टी भी जुड़ी हुई है। कई लोग इस काम में लगे हुए हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज पर्याप्त मात्रा में हमारे पास डोज अवेलेबल है, उसका उपयोग करके हर स्टेट भी एफर्ट करे और मैक्सिमम से देश के हर नागरिक को टीका लगे, इस दिशा में काम होना चाहिए और हम कर रहे हैं। सर, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आप सांसदों को भी वैक्सीनेशन अपने संसदीय क्षेत्र में वो प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड लोगों करें, इसके लिए एमपीलैड की राशि में भी उनको इंसेंटिव के तौर पर कुछ राशि बढ़ाने की बात कह रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि सांसद और जनप्रतिनिधि के बीच में भी कॉम्पिटिशन होनी चाहिए। एक विधायक हो, एक ब्लॉक में इलेक्ट हुए जनप्रतिनिधि हो, क्या वो ऐसा तय नहीं कर सकते कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिन्होंने मुझे वोट दिया है, सब सुरक्षित हो जाना चाहिए और उसको सुरक्षित बनाने के लिए वो आपस में कंपटीशन करें और एक कंपटीशन के तहत हमारा वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाए, ये भी समय की मांग है। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 16, 17 और 18 नवम्बर को आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विधायी संस्थाओं के कामकाज को पारदर्शी और मजबूत बनाने के बारे में चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने संसद टीवी से खास बातचीत भी की है और ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, इसे आप संसद टीवी पर लगातार लाइव देख सकते हैं और तमाम विधायी कामकाज को लेकर कई ऐसे अहम फैसले हैं जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए जाते हैं, इन पर हमारी नजर रहेगी। और अब बात करते हैं आज की गतिविधियों की। तो तमाम बड़ी खबरों पर हमने नजर डाली है और आज की गतिविधियां जान लेते हैं, क्या बड़ी गतिविधियां हैं जो आज के एजेंडे में शामिल हैं। आज की गतिविधियों पर एक नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। और साथ ही साथ आज और क्या कुछ खास होना है उसकी बात करें तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पंजाब और हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज हरियाणा के भिवानी जिले के सुई गांव का दौरा करेंगे। महादेवी
परमेश्वर दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है और वहां आज सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आधिकारिक दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति आज बेंगलुरु टेक्स समिट में हिस्सा लेंगे और एक सैटेलाइट सेंटर का दौरा भी करेंगे और साथ ही साथ संसद की विभिन्न स्थायी समितियों की बैठकों की जानकारी की बात करें तो आज रक्षा संबंधी समिति, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति और जल संसाधन समिति की बैठक है। आज समिति कक्ष संसदीय सौध में ये तमाम सारी बैठकें आयोजित होंगी। इसकी जानकारी देने का पीछे मकसद ये है कि जिस तरीके से संसद का सत्र चलता है ठीक उसी तरीके से संसद की जो स्थायी समितियों की बैठक है वो भी काम करती हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी जानकारी हम आप तक पहुँचाएं। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले अहम कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम विशेष। 9 बजे आप इकोनॉमिक सूत्र देखेंगे और 9:30 बजे आप देख सकते हैं बिल्स एंड इनसाइट। शाम 6 बजे की बात करें शाम के कार्यक्रमों की तो आप संसद टीवी पर देख सकते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। 6:30 बजे शाम को देखना ना भूलिए हमारा विशेष कार्यक्रम असेंबली डिबेट। शाम 7 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हिंदी डिबेट मुद्दा आपका। शाम 7:30 बजे देखिए लोकतंत्र राउंडअप। रात 8 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित न्यूज बुलेटिन आज की खबर। 8:30 बजे देखिए डिप्लोमेटिक डिस्पैच और 9 बजे आप देख सकते हैं लॉस दैट शेप्ड इंडिया और रात 9:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। और इसी के साथ हेलो इंडिया में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार बात होगी आज के इतिहास की, आप बने रहे हमारे साथ। शिमला में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन। बिरसा मुंडा जयंती पर देश भर में मना जनजातीय गौरव दिवस। उपराष्ट्रपति ने बेंगलुरु में छात्रों को दिया सफलता का मंत्र। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार राजस्थान विधानसभा में हुआ बाल सत्र। और राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में क्या हुआ खास, जानने के लिए देखिए कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप बुधवार शाम 7:30 बजे। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 17 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 17 नवंबर वर्ष 1869 में विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक स्वेज नहर को आधिकारिक तौर पर खोला गया। स्वेज नहर मिस्र में मानव निर्मित समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वर्ष 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगुनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 पैसा ही लगा। वर्तमान में स्वेज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। 17 नवंबर वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय का निधन हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला जी पूरी तरह से घायल हो गए और अंत में आज ही के दिन वर्ष 1928 में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने प्रिय नेता की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और 1 महीने के बाद ही ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लाला जी की मौत का बदला लिया। 17 नवंबर वर्ष 2015 में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मिर्गी मस्तिष्क का एक क्रोनिक रोग है जिसे बराबर होने वाले दौरे पड़ने से पहचाना जाता है। मिर्गी का उपचार दवाओं और शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। नेशनल एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी दिवस मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व भर में लगभग 50 लाख लोग मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं, जिसमें से 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं।
तो ये आज का इतिहास को हमने जाना। और प्रीति, जैसा कि हमने देखा कि एपिलेप्सी डे यानी मिर्गे दिवस एक क्रोनिक डिसीज है जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, और इसकी जितनी ज्यादा जानकारी होगी लोग उतना ज्यादा जागरूक रह पाएंगे। और जाहिर तौर पर इसको लेकर जानकारी जो दूर दराज के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां ज्यादा होना जरूरी है। इसीलिए दिवस मनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले, क्योंकि अभी भी लोग थोड़ा बहुत अंधविश्वास में अभी भी विश्वास करते हैं, और इस वजह से इसका सही तरीके से जो इलाज है वो लोग कराने से कतराते हैं। लेकिन इस बीमारी को लेकर भी आज जागरूकता की जरूरत है। और इसी के साथ अब समय आपसे विदा लेने का है, और जाते जाते आपको बता दें कि आज के कलाकार में हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध सितार वादक अग्नि वर्मा से। अग्नि वर्मा देश विदेश के मंचों पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की इस विधा से समा बांधते हैं और भावी पीढ़ी को इसका प्रशिक्षण भी देते हैं। तो आप अग्नि वर्मा के इस संगीत कला का आनंद लीजिए, और मुझे और प्रीति को इजाजत दीजिए। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी ठीक 8 बजे संसद टीवी पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।